भारत की कला एवं संस्कृति प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कथकली नृत्य क्या है। कथकली नृत्य कहानियों पर आधारित होता है। यह नृत्य दक्षिण भारत के केरल राज्य में ज्यादा प्रचलित है। कथकली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह नृत्य कुट्टियट्टम, कृष्णाट्टम और भारत के सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट कालेरी पयट्टू से उत्पन्न हुआ है। यह शाम के समय सूरज ढलने के बाद किया जाता है। यह नृत्य कलिकट्टू से प्रारंभ हुआ है। आइए देखते हैं कथकली नृत्य के प्रमुख भागों के विषय में। इसमें क्रमशः चार भाग होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर कालासम, यह कथकली का सबसे कॉमन पार्ट होता है, जिसका इस्तेमाल सभी नृत्य में किया जाता है। दूसरा भाग इरावती होता है, जिसमें युद्ध व कला का प्रदर्शन किया जाता है। तीसरा भाग ताकोरम होता है, जिसके अंतर्गत यह भाग में इराती की तरह होता है, परंतु इसमें संगीत अलग से जुड़ा होता है। चौथा भाग नीलमिर्ति, इसका प्रयोग एक अध्याय को दूसरे अध्याय से जोड़ने के लिए किया जाता है, एवं कथकली में मेकअप को बेसम कहा जाता है। इसी के साथ पंच, इसमें हरा रंग होता है जो श्रेष्ठ नायक को बताता है, जैसे विष्णु और शिव। काठी बेसम, यह राक्षस के अभिनय को बताता है। ठांडी बेसम, तो यह तीन प्रकार का होता है, सफेद डाढ़ी यह बंदर नायक को बताता है, लाल ठांडी यह दुष्ट नायक बताती है, काली ठांडी यह शिकारी या जंगली नायक को बताते हैं। एवं कारी बेसम, तो यह महिला दुष्ट चरित्र को बताती है, जैसे स्पर्ण का तड़का। एवं अंतिम है मिलिक्कू, तो यह साधु या सज्जन महिला के चरित्र को बताती है।